नमस्कार प्राइम 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्मारक घोटाले की जांच भी तेज, बसपा के दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की तैयारी। एलजेपी में नए बवाल, चिराग पासवान की चेतावनी, कहा चाचा पशुपति केंद्रीय मंत्री बने तो जाऊंगा कोर्ट। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर में हिजबुल का टॉप कमांडर मेजराउद्दीन ढेर कई आतंकी वारदातों में था शामिल। अफगानिस्तान के राजदूत के साथ बैठक में विदेश सचिव ने दिलाया भरोसा, तालिबान आतंकियों के बढ़ते हमलों के बावजूद अफगानिस्तान में बंद नहीं होंगे भारत के मिशन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कित्तूर की ऐतिहासिक जगहों के विकास के लिए दी आर्थिक मदद, 10 करोड़ रुपए का किया आवंटन। दिलीप कुमार के निधन से देश में शोक की लहर, राष्ट्रपति कोविंद व प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य राजनीतिक शख्सियतों ने दी श्रद्धांजलि। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी ने फिर डोमिनिका हाई कोर्ट का किया रुख, कानूनी कार्रवाई रद्द करने की उठाई मांग। बंगाल में विधान परिषद को मंजूरी, सीएम की कुर्सी बचाने के लिए ममता ने खेला बड़ा सियासी दाव, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। यूएई जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, आरोपित की मां ने मदद के लिए लगाई है गुहार। सीएम योगी ने यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने की दी मंजूरी, पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके गाइडलाइन बनाने को कहा। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में आरोपित 3 महिलाओं को 22 महीने बाद मिली जमानत, 1 अक्टूबर 2019 को किया गया गिरफ्तार। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी की बदमाशों ने घर में घुसकर की हत्या, 1 संदिग्ध को किया गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध में इस्तेमाल हथियार का बरामद होना आरोप साबित करने के लिए नहीं है जरूरी। तमिलनाडु के विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल ने रचा इतिहास, 1 करोड़ लोगों ने किया सब्सक्राइब। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा ट्विटर इंडिया की भूमिका की जांच को इच्छुक नहीं है गाजियाबाद पुलिस। औरैया में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा विकास प्राधिकरण के वित्त अधिकारी पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटे। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जारी, अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुटा, 8 जुलाई को होगा नामांकन। हमीरपुर में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर घड़े लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शन करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। जालौन में खनन माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा, बालू के भंडारण पर कार्रवाई करते हुए किया सीज, माफिया शासन को करोड़ों के राजस्व का लगा थे।
जौनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, एसआई के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। लखनऊ के मलिहाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला, हमलावर मौके से हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल को मिली एक नई मशीन, फिजियोथेरेपी सेंटर में लगाई गई है नई मशीन। लखनऊ के महात्मा गांधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल शक्ति संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह दौरा करने पहुंचे, उनके साथ जिलाधिकारी समेत अन्य डॉक्टर भी रहे मौजूद, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लखनऊ में मेडिकल उपकरणों की खरीद में धांधली, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया यूपी में राज्यव्यापी प्रदर्शन। रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद, फिरौती न देने पर बदमाशों ने बच्चों को मारने की दी धमकी, धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में सिंचाई विभाग द्वारा की गई लापरवाही, बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जा रही है पैचिंग में अनियमितता, बरतते जाने से गांव में बाढ़ का खतरा, इस मामले को लेकर ग्रामीणों में बना रोष। सहारनपुर में बसपा नेताओं का नहीं थम रहा है विवाद, नवीन खटाना के समर्थन में उतरी राष्ट्रीय वीर गुज्जर सेना। शाहजहांपुर में कार और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सोनभद्र के मधुपुर में इंडियन बैंक की लघु शाखा में बदमाशों ने हमला बोला, बदमाश 11,07,000 रुपए लेकर हुए फरार, पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में तिकोनिया पार्क में पालिका ने जड़ा ताला, धरना प्रदर्शन के लिए पालिका की अनुमति होगी जरूरी। ताजनगरी आगरा में होंगे नए बदलाव, ग्रेटर आगरा को बसाने की तैयारी पूरी, विभाग के अधिकारी प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्थलीय निरीक्षण। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा, पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। मदायूं में महिला की शादी बनी चर्चा का विषय, महिला ने पति को दिया तलाक, तलाक के बाद ससुर से की शादी। शहर में जंगल से युवक का शव हुआ बरामद, ग्रामीणों ने सूचना पर पुलिस टीम को दी गई सूचना, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। हमीरपुर में महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, न्याय पाने के लिए एसपी के पास पहुंची पीड़िता, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। रायबरेली में प्रशासन और आला अधिकारियों की लापरवाही, बद से बदतर हुई गौशालाओं की हालत, गौशालाओं में तड़प तड़प कर मर रही है गाय। शाहजहांपुर में डीजे पर डांस करते हुए दिखे दबंग, अवैध असलहे के साथ दबंगों ने किया जमकर डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। आगरा में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में कराया गया है भर्ती। आजमगढ़ में चार ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। बुलंदशहर में मकान तोड़ते समय गिरी दीवार, मलबे में फंसी दो बच्चियां, इलाज के दौरान एक बच्ची की हुई मौत।
बुलंदशहर में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 3 महिलाएं सहित 5 लोग हुए घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया शोक। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया है ट्वीट। लखनऊ में देर रात चलाया गया है नाइट पेट्रोलिंग अभियान। बिजली विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। कई इलाकों में चलाया जा रहा है ये चेकिंग अभियान। लखनऊ में युवक ने गोमती नदी में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। नरेंद्रनगर में प्रधान संगठन ने ब्लॉक मुख्यालय पर जड़ा ताला। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। सरकार को उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। अल्मोड़ा में कोरोना काल में बेरोजगारों का सहारा बनी बबीता। प्रशिक्षण दिलाकर बन रही हैं रोजगार के काबिल। बाजपुर में स्माइलर्स सोसाइटी ने लोगों को पिलाया शरबत। 2000 लोगों को बांटे मास्क। सोसाइटी ने लोगों की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी ने की बैठक। 8 राज्यों के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। देहरादून में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हाईकोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर लगाई थी रोक। देहरादून में डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू बने मुख्य सचिव। 70वें मुख्य सचिव के तौर पर संभाला कार्यभार। रोजगार बढ़ाने पर फोकस करेंगे संधू। हरिद्वार में गन्ना भुगतान को लेकर डीएम को ज्ञापन। चीनी मिलों पर बकाया है किसानों का पैसा। मिल की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस किया गया है जसपा। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर किया छापेमारी। छापेमारी अभियान से मची खलबली। कई दवाओं की जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। रुद्रप्रयाग में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कौशल विकास समिति के अधिकारियों को दिए निर्देश। मसूरी में बौद्ध धर्म गुरु का लोगों ने मनाया बर्थडे। केक काटकर मनाया गया दलाई लामा का छिलासिया बर्थडे। लालकुआ में पेट्रोल पंप मालिक ने ड्राइवर को पीटा। तेल चोरी का आरोप लगाकर की पिटाई। हरिद्वार में गंगा घाट पर लोगों में मचाया उत्पात। पुलिस के मना करने पर किया भद्रता। गढ़मीरपुर में दो शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। 300 मोबाइल फोन कर चुके हैं चोर। धनौरी में पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शिक्षा की मशाल जलाने वाले को किया नमन। काशीपुर में ट्रशिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों का घोटाला। मेयर के करीबियों पर लगे आरोप। आम आदमी पार्टी ने की जांच की मांग। लक्सर में रहस्यमय तरीके से युवक की हुई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। अल्मोड़ा में रंग लाने लगी जल जीवन मिशन योजना। 33,000 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ।
लालकुआ में तैयार की गई ग्रास नर्सरी जानवरों के लिए किया गया है विशेष इंतजाम। बहादुराबाद में किसानों की सरकार को ललकार, जल्द से जल्द तीनों बिल निरस्त करें। लालकुआ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। ब्रिटेन दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे, ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य सहयोग पर हुई है चर्चा। उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकी हमला, 3 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत, 1 हुआ घायल। अफगानिस्तान में दोबारा शुरू हुआ तालिबान का कहर, पतंगबाजी से लेकर ब्रेक डांस तक मंडरा रहा है रोग का खतरा। रूस ने 5 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर मिला विमान का मलबा, विमान के 8 क्रू मेंबर समेत सभी 28 यात्रियों की हुई मौत। म्यांमार के खराब हालातों को सुधारने के लिए रूस ने किया आसियान के 5 पॉइंट्स का समर्थन। कोविड-19 वैक्सीन अदला बदली पर इजराइल और दक्षिण कोरिया में बनी सहमति, इजराइल फाइजर बायोटेक की दक्षिण कोरिया को देगा 7 लाख खुराकें। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आई किट मेडिक्टन, खुद को किया सेल्फ आइसोलेट। अमेरिका के डलास में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों की हुई मौत और 2 लोग हुए घायल। चीन ने ताइवान पर जापान के बयान का किया कड़ा विरोध और दिया बड़ा बयान, असो ने कहा था जापान यूएस करेंगे ताइवान की रक्षा। अमेरिका का चीन पर निशाना, इस साल क्वाड नेताओं की बैठक करेंगे बाइडेन, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। पाकिस्तान स्थित पंजाब में सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए पहला पब्लिक स्कूल करेंगे स्थापित, लाहौर में पहले से 1 निजी स्कूल है संचालित। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से स्टेन स्वामी की मौत पर जताया गया अफसोस का, हम स्वामी की मौत से बहुत विचलित और दुखी हैं। पाई पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान, कई चीजों की रकम अदायगी के लिए आईडीबी से अरबों डॉलर का कर्ज। पाकिस्तान के लिए खतरा बना तालिबान, सीमा और अंदरूनी क्षेत्रों में हमले, चीन के लिए भी बढ़ने लगी है दिक्कतें। दलाई लामा के जन्मदिन पर उनकी अद्भुत तस्वीर का विमोचन, हजारों डॉलर आकी गई है कीमत। आर्थिक मंदी के सबसे बुरे दौर में लेबनान, देश की मुद्रा ने गवाया अपना 90% मूल्य। ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति की संभावना का, दशकों पुराने विवादों को सुलझाने में लगेगा वक्त। नेपाल में मध्यावधि चुनाव का शेड्यूल जारी, 15 जुलाई को पार्टियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होगी प्रोसेस, 2 चरणों के लिए 6, 7 और 16 से 17 अक्टूबर को होगा नॉमिनेशन।
ईरान में भीषण गर्मी के बीच कई घंटे गुल रही है बिजली, राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मांगी माफी। साल की उम्र में दुनिया के सबसे उच्च घोड़े बिग जेक की मौत, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है बिग जेक का नाम। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा इटली, पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हराया, मैच में गोल करने वाले अल्बीरो से हारे इंग्लैंड या डेनमार्क से होगा आगे का मुकाबला। टीम इंडिया का जारी रहेगा हॉलीडे, बीसीसीआई ने कहा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कोरोना को लेकर कोई नहीं मिली है हिदायत, 14 जुलाई को लंदन में जुटेंगे खिलाड़ी। इंग्लैंड में हुआ बड़ा उलटफेर, पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने दूसरी सीड रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया, महिला सिंगल्स के गर्बर चौथी बार सेमीफाइनल में है पहुंचे। भारत के खिलाफ सीरीज से पहली बुरी खबर, इंग्लैंड के खिलाड़ी हुए कोरोना से संक्रमित, 7 सदस्य की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगलने वाले अर्जुन रणतुंगा को पाकिस्तान के क्रिकेटर दनिश कनेरिया ने जमकर लताड़ा। आलिया रणवीर के साथ करण की फिल्म में अहम रोल निभाएंगे धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी। 2022 में रिलीज होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अजय की अगली फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, 13 अगस्त को अजय देवगन की फिल्म भुजा प्राइड ऑफ इंडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। नेल्लोर सरकारी अस्पताल में लगा सोनू सूद का पहला ऑक्सीजन प्लांट, देश भर में 16 और प्लांट्स लगवाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। आलिया तापसी सोनाक्षी के प्रोजेक्ट्स में फॉलो हो रही है स्ट्रिक्ट कोविड गाइडलाइंस, से क्रू को करना पड़ रहा है बायो बबल का सामना। फिलहाल टू सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से लोगों को किया इमोशनल, बी प्राग भी गाने में आए नजर। शामों की मोबाइल में हुई शानदार ग्रोथ, सैमसंग वन प्लस के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी भारत में, इसका कुल शिपमेंट 23% बढ़कर 3.8 करोड़ यूनिट तक पहुंचा। घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को मिली बड़ी आस, कोरोना के नए मामलों में गिरावट से घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने की है उम्मीद, सरकार की ढील से भी मिलेगी मदद। पीएफआरडीए ने एनपीएस लाइट में प्री मैच्योरिटी की जारी किए नियम, 25 साल से पहले भी स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। टैक्स विभाग ने बढ़ाई डेडलाइन, टैक्स पेयर 15 जुलाई तक जमा कर सकेंगे फॉर्म 15 सीए और 15 सी। कच्चे तेल के लिए नए बाजारों पर नजर, ओपेक के बाहर अन्य उत्पादकों से ज्यादा तेल खरीद देगी सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही, देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।